मोदी सरकार की एक कुशल विदेश नीति ही है जब हर देश उसके साथ खड़ा है। कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना पाकिस्तान का खून सुखाने जैसा था। उसने इसके खिलाफ कई देशों से मदद मांगी, यूएन तक गया, लेकिन हर कोई भारत के साथ खड़ा दिखा, सच के साथ खड़ा दिखा। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हर झूठ को समझ चुकी है। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। अब रूस ने भी जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने जम्मू और कश्मीर को दो भागों में विभाजित और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के अनुसार ही लिया है। मॉस्को को उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर राज्य पर दिल्ली द्वारा लिए गए फैसलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में वृद्धि नहीं होने देंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से हल किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किए गए बदलाव के बाद किसी तरह के तनाव को बढ़ने नहीं देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन से भी इस मामले में दखल देने की अपील की थी, लेकिन चीन ने भी भारत और पाकिस्तान से अपने विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने के मद्देनजर अगला कदम लेने के लिए चीन से राय लेने पहुंचे हैं। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने व संयुक्त रूप से शांति एवं स्थिरता को कायम रखने का आह्वान करते हैं। चीन ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के फैसले का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र नहीं करते हुए कहा कि प्राथमिकता ये है कि प्रासंगिक पक्ष को चाहिए वो यथा स्थिति को एक तरफा बदलने से बाज आए और तनाव ना बढ़ाए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के फैसले में भारत ने शुक्रवार को कहा था कि अब पाकिस्तान को जम्मू एवं कश्मीर के सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।